असल उस हार ने सानू होर मजबूत किया क्योंकि फूलका साहब नू एम एल ए चुन लिया, वो एम एल ए बन तो बाद लभे नहीं लोगों नू, ते फिर लोगों नू एहसास होया भी असीं बहुत वड्डी गलती की है, असीं एक अपना काम करने वाला एक वधिया जिहड़ा एम एल ए उहनू हरा लिया, ते असीं जिहनू जिताया ते उह तां सानू धोखा दे गया। चाहे करोना काल रहा उहदे विच कित्थे राशन की लोड़ सीगी अपने परिवार वल्लों, उत्थे भी असी जिहड़े काम ने ढाई सालों के विच एक भी बंदा यह नहीं कह सकता, जिहड़ियां गलियां जिथे लगता सी बहुत माड़ी हालत सी वह भी बनवाइया अपने को भी बनवाइया ने, वो कल्ली साढ़े हल्के नहीं आई पूरे पंजाब पूरे देश के आई आदि कम चल रहे हैं, इन्हों की कोई देन नहीं है, इन्हों का मेरा 5% योगदान नहीं है। इस करके ना हो भी कोई साडा विरोधी पार्टी का कोई वेंडेटा नहीं होना चाहिए, धक्केशाही नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल असं इस गल एग्रीड है। सो अकाली दल का जो कोई भी लीडर कोई वर्कर चाहे बेअदबी के नशे च इनवॉल्व भी 5 साल की करते रहे, ये सारे बिच ही मंत्री से बिच ही सारे सीगे। सिटी होम देख रहे सर दर्शकों का स्वागत है, मैं राजेश महरा। 20 तारीख पंजाब दे सुनहरे ते नवे इतिहास लिखने लिए तैयार है, तो वोटर उत्ते मोहर लाने भी तैयार हो चुके हैं, तो सारिया सियासी पार्टियां दे उम्मीदवार दिन रात मेहनत करके अपने वोटर तो अपनी जित सुनिश्चित करने वास्ते दिन रात एक कर रहे हैं। अज पहुँचे असी हलका दाखा विच, दाखा दे इतिहास जिहड़ा है वह गवाह है कि उस ते पहला अगर चात मारीए 10 साल पहला तो बहुत ही दाखा जिहड़ा पिछड़िया होया दाखा कहा जाता सी, पर अज दे गल करांगे अज दे सिटिंग जिहड़े MLA ने श्रोमणी अकाली दल दे वो किसी पहचान की मुहताज तो नहीं है, पर गल करांगे दाखा दे विच की मजबूत दावेदारी नाल ये उतरे ने और की वाकई दाखा द्वारा 2022 दे विच इन्हां नू MLA बनाएगा, तो इन्हां दी मजबूत दावेदारी क्यों है, किन्ना कारना है, किन्ना क विकास इन्होंने किया, किन्ना क रहिंदा, गल करदे आं मनप्रीत याली जी ना जिहड़े कि श्रोमणी अकाली दल दे दाखा तो हलका दाखा तो अपने उम्मीदवार उतारे ने। बहुत बहुत स्वागत है जी। दाखा साहब किस तरीके नाल तुसीं अपनी दावेदारी मजबूत मानते हो? देखो हलका दाखा जिहड़ा इत्थे तकरीबन लंबे समय तो मैं विचरदा आ रहा, एक परिवार आ हुण तां एक परिवार की तरह हर घर तक साडी पहुँच आ, हर घर का जिहड़ा मैंबर हैगा वो अपने आप मैनू परिवार का मैंबर समझदा। सो बड़ी मेहनत करके इस इलाके दे विच जिहड़ी इस इलाके नू डिवेलपमेंट पक्ष तो अगे लैके जांदा लैके आए असीं पिछले समय वड्डे वड्डे प्रोजेक्ट इत्थे लगे ने। सो अज हलका दाखा जिहड़ा इहदी इक वक्खरी पछाण आ, जित्थों हलका दाखा शुरू हुंदा साडे जिहड़े प्रोजेक्ट ने उत्थों पता लग जांदा वी इक वक्खरा हलका आ गया। जिस तरह खेड पार्क ने तकरीबन हर वड्डे पिंड दे विच 70 पिंडां 'च खेड पार्क बने हुए ने, जिहड़ी इक वक्खरी इक दूसरे हलकियां नाल इहनू वक्खरा करदे ने। उस तों बिना सड़कां ने गलियां नालियां ने जिन्हें भी जिहड़ियां विकास के काम ने हर पिंड दे विच पीण वाला पानी तो लैके पानी की निकासी तो लैके ये सारे काम ने जिहड़े कीते गए ने। मुल्लापुर शहर आ जिहड़ा तकरीबन 11 प्रोजेक्ट इस शहर के विच पिछले समय के विच लाए गए ने। सो इसलिए ये जिहड़ा हद्दा हलका हैगा दाखा, सो अज कोई भी बंदा इत्थों लंघदा जदों वह देख के जरूर हैरान हुंदा वी इस तरह के काम जिहड़े होए आ वी उह पंजाब दे विच तां कि पूरे देश के किसी इलाके दे विच नहीं होए। मैं मानता असी भी पिछले 5 साल जो इलैक्शन होए से 2017 असी भी नाल कवरेज की है, पर जो आम आदमी पार्टी दे हालांकि कहा जाता है कि बाहरों जिहड़ा पैराशूट नाल ही उतारे ने HS फुलका जी, हालांकि वह दोबारा पार्टी भी छड़ गए हैं, पर जित उन्हां दी हुई सी, पर तुहाडा जिहड़ा विकास कर रहे थे तुसीं उदों भी कह रहे थे बहुत ज़्यादा जिहड़ा विकास किया 117 हलकियां च सब तो वध इह असी विकास किया जिहड़ी तुसीं खेड की गल की स्टेडियम की, और लोग दूरों देखण आते सी, ईवन तुहाडे जिहड़े उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल भी यह तुहाडा जिहड़ा नक्शा से जो तुसीं कीता उन्होंने अपनाया सी, बाकी जिहड़े हलके उन्हां च भी इदां ही उतारूंगा, पर की हलके की बदकिस्मी रह गई फिर दोबारा तुहानूं जित निश्चित नहीं हुई? भी उदों एक वेव ही इन्नी ज़्यादा सीगी, खास तौर पर साडा जिहड़ा इलाका इत्थों NRI बहुत वड्डी गिणती चा बाहरले उत्थों दा उत्थे एक माहौल बहुत तगड़ा बनया होया सी, एक बहुत वड्डी चेंज लियाउणी चाहुंदे सी, उह इनकलाब की गल हो रही सीगी। सो उहदे विच फूलका साहब जिहड़े एक सिख चेहरा सी जिन्हां ने लंबा समा जिहड़े केस लड़े सीगे जिहड़े उत्थे दिल्ली जिहड़े कतलेआम होया उह 84 दे विच उहनां दे, सो इस करके लोगों नूं उत्थे एक एड्डी वड्डी लहर दे विच जिहड़ी वड्डा उह गल की होई भी कांग्रेस उड़ गई बिल्कुल ही, असीं तां उस लहर दे विच भी स्टैंड कीता ते सानूं 40% वोट मैनूं पई सी उदों ते 19% पई कांग्रेस नूं ते 41% ना
1% का फर्क रह गया सी, क्योंकि एक लहर इदा सी। लेकिन उत्थे ही असल उस हार ने सानू होर मजबूत किया, क्योंकि फूलका साहब नू MLA चुन लिया, वो MLA बनने तो बाद लभे नहीं लोगों नू, ते फिर लोगों नू अहसास होया भी असी बहुत वड्डी एक गलती की है, असी एक अपना काम करने वाला एक वधिया जिहड़ा MLA उहनू हरा लिया, ते असी जिहनू जिताया ते उह तां सानू धोखा दे गया। सो उस तो बाद फिर लोगों के मन के जिहड़ी जिहड़ी जगह बनी आ, असली जिहड़ी जगह बनी आ उस तो बाद बनी आ कि लोग आने वाले समय के इधर उधर देखना सोचना बंद ही करता उन्होंने। उन्होंने पता भी कि साडा जिहड़ा लीडर जे बिल्कुल सही आ, ईमानदार आ, मेहनती आ, तो इलाके लिए वड्डे प्रोजेक्ट लेके आते, एक साढ़े इलाके एक वक्री पछाण दिती आ। सो इस करके ही जिहड़ी जिमनी चोण हुई, इन्नियां धक्केशाहियां हुई, जातियां हुई, पूरी सरकार पूरा प्रशासन सिस्टम सारा जिहड़ा एक पासे लग्या होया सी, लेकिन फिर भी एक तरफा जिहड़ी जित हुई आ। सो उस करके ही जिहड़ी हुण भी आ जिहड़ी इलैक्शन चल रही आ उही जिहड़ा माहौल आ, उस तो भी वध, क्योंकि हुण तां उदों तां सारी सरकार लगी हुई सी, हुण तां बड़ा शांतमई माहौल नाल इलैक्शन होनी आ। सो इहदे विच सानू होर भी लोगों का बहुत वड्डा जिहड़ा सहयोग मिलना, क्योंकि पिछले 2.5 साल दे विच सरकार ना होण दे बावजूद भी असी कोई कसर नहीं छड्डी, चाहे करोना काल रहा उहदे विच कित्थे राशन की लोड़ सीगी, अपने परिवार वालों अपनी जो कमाई चो दसवंध कढ़दे आ, उस तो बिना बहुत सारे जिहड़े काम ने इलाके दे विच अज भी जिहड़े हुण चोण जाबता लग गया, इस तों पहलों तक असी बहुत सारे काम ने जिहड़े अपने वलों कराउंदे रहे आ सरकार ना होण दे बावजूद। असी किसी नूं जवाब नहीं दिता, क्योंकि लोगों का एड्डा वड्डा सानूं सहयोग सीगा, ते उत्थे असी कोई भी साडे कोल आया किसी नूं कोई गरीब नूं इलाज की लोड़ सीगी, किसी नूं माली मदद की लोड़ सी, किसी नूं विआह की मदद की लोड़ सी, किसी दे घर ट्रैजडी हो गई, किसी पिंड दे विच जिहड़े साडे ग्राउंड उन्हां नूं संभालण दे लई असी आप अगे लग के उन्हां नूं संभालिया, कितें पेंट होण की लोड़ सी, कितें लाइटां लगन की लोड़ सी, कितें समरसीबल लगन वाला सी, कितें पिंडां दे विच कोई होर काम जिहड़े डिवेलपमेंट दे चल रहे आ जिथे ग्रांट नहीं भी लग सकती सी, उत्थे भी असी जिहड़े काम ने 2.5 साल दे विच एक भी बंदा इह नहीं कह सकदा, जिहड़ियां गलियां जिथे लगता सी बहुत माड़ी हालत आ सी उह भी बनवाईयां अपने कोलों भी बनवाईयां ने। सो तुसीं बनाईयां बंदे की समझदे हो भी जिहड़ी 5 साल सत्ता सरकार रही है कांग्रेस उन्हां दे उम्मीदवार भी रहे आ, उह कहिंदे सरकार ने काम कराए आ, श्रोमणी अकाली दल ने काम नहीं कराए। नहीं, पहली गल तां जिहड़े पिंडां च ग्रांट आई आ उह तां सेंटर दीआं 3 स्कीमां ने, 14वां वित्त कमिशन, 15वां वित्त कमिशन ते मनरेगा स्कीम, उह आबादी दे आधार ते ग्रांट आई आ, उह कल्ली इह साडे हलके च नहीं आई, पूरे पंजाब पूरे देश दे विच आई आ, उहदे नाल काम चल रहे ने, इहनां दी कोई देण नहीं हैगा, इहनां दा मेरे ख्याल 5% विच योगदान नहीं हैगा। सो उहदे नाल जिहड़ा काम चल रहा, सो इस तो बिना कोई भी डिवेलपमेंट का प्रोजेक्ट आ जिहड़ा इह लिया नहीं सके हैगे इस इलाके दे विच। गल्लां लारे बहुत लाए ने, लेकिन एक बस अड्डा सी उह भी कंप्लीट नहीं कर सके, बस अड्डे की गल करते उह चल नहीं सके अजे तक, अजे इनकंप्लीट खड़ा उह सारा। सो इस तो बिना इत्थे कोई भी काम, देखो हर सरकार की ड्यूटी आ काम करने, डिवेलपमेंट हर सरकार दे विच हुंदी आ, घट हुंदी आ वध हुंदी आ वक्री गल आ, लेकिन वह कोई उहदे विच जे साडे समय जिहड़ी डिवेलपमेंट हुई उहदा तां नेड़े तेड़े भी है नहीं गए। चन्नी सरकार की कह रहे 111 दिनों कहते मैं इन्ना काम करता फिर 11 साल नहीं हो सकता, तुम कहने डिवेलपमेंट तुहाडे समय हो 11 दिनों के एक भी काम कोई बंदा आके कह दे हूँ कहते असी 36,000 मुलाजम पक्के करते, एक मुलाजम आके कह दे भी हाँ मैनू पक्का किया इन्होंने, कहण तो भाव कि ऐलान ही होए ने, उहदे शर्तां रहिंदी भी फायदा किसी नूं ना मिले। आ हुण करोड़ां रुपए लभ रहे ना रिश्तेदारां दे कोलों, जे कदे इन्हां नूं 5 साल मिल जांदे पता नहीं किन्ने 100 करोड़ इकट्ठे कर लैंदे। नहीं नहीं सियासी कारण करोड़ों रुपया निकल रहा, सियासी कारण थोड़ी वो कितों आ रहे हैं, वह हौली हौली यदा बहुत कुछ निकलूगा हजे। सो यह तो लोग लुटन लगे हुए थे 5 साल तो, आ हूँ आ 3 साल आह 3 महीने चन्नी लुटन लगे हुआ इन्होंने पैसे ही लुटिया सारा, रेत माफिया तो लैके शराब माफिया तो लैके य सारा कुछ यही जे चला रहे थे। सो हौली हौली सारिया परतं खुलन गियाँ, तो यी इन जे तार है कितने तक जुड़े हुए हैं, यारिया गल् हौली हौली सामने आई जानिया ने। पार्टी से भी दोष जिदा सरकार थोड़ी पलटी है, दोष बहुत लगते हैं बेअदबी का नशे में लैके, तो अज जदों वो कहें असी कोई ना कोई जो परचा दर्ज करने की गल की है कुछ भी कार्रवाई करने की गल की है उदों कहें सियासी करना कहते हूँ सियासीकरण कितने गया। नहीं देखो परचा दर्ज किया, परचा दर्ज इन्होंने करन दे लई अफसर क्यों भज रहे ने, अफसर स्टेटमेंटा क्यों दे रहे भी बनता ही नहीं इन्हों DGP लैवल दे भी तो कुछ बनता ही नहीं है, वो सारा बदला फिर जे जे परचा एडा दर्ज किया ही सी तो जमानत क्यों होगी, क्योंकि वो कुछ स्टैंड ही नहीं करता सी, वो तो सिर्फ क्योंकि इन्होंने पहलों बड़ा बदनाम किया उदों मजीठिया साहब नूं पिछले 5 साल हुण इन्हां नूं ये भी हुण लोकां जावांगे किदां,
ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਲਟਾ ਉਲਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਦਲਾ ਲਓ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਟੋਆ ਪੱਟਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੋਆ ਪੱਟਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਡਿੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਮਿਆਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਂਡੈਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀਡ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ 'ਚ, ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ 'ਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। 5 ਸਾਲ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਜੀ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਹਿਰ ਦੀ, ਪੈਚਸ ਫੁਲਕਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਸ਼ਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਧਰ, ਆਪਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੂਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੂਗੀ? 4 MP ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 20 MLA ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 11 ਭੱਜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ MLA ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ, ਰੈਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦਾ MLA ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ MLA ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਆ ਜਿਹੜੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 35 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟਡ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਕਾਹਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ? ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ CM ਚਿਹਰਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੂਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 100 ਸੀਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ, ਉਦੋਂ 20 ਆਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ 50-60 ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ 10 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਟੱਕਰ ਉਹਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰਾਹਾਂ ਵਾ, ਡਕਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਭੱਜ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, UP ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਆਪੇ
उस कोई ना कोई विलखण गल हुंदी है तो उन्हें जो विकास हैगा तो उन्हें किया हूँ इस वे पूरे पांच साल की चोण है विधानसभा की चोण है हूँ इस वे जिदा पार्टी कह रही है गल पंजाब की तो गल दाखे की जी करनी है और वास्ते दर्शकों दस दो भी मैं दाखे का जीवन तुम दोबारा चुनते हो तो आ जी प्रॉपर्टियां मेरे काम रह गए जिहड़ियां कुरुतियां सीगियां क्योंकि दाखे नूं कई बार नशे नाल भी जोड़ा जाता सी होर तरीके नाल भी जोड़ा जाता सी परचियां नाल भी जोड़ा जाता सी झूठे परचियां नाल भी जोड़ा जाता वो तो नहीं कभी गल रहूगी। देखो जिहड़ा परचा मेरा ख्याल एक भी साबित करने झूठा होया क्योंकि इन्होंने कमीशन बनाया उस तों बाद वो कमीशन महताब सिंह कमीशन बनया उस साबित कर देंगे एक भी कोई इदां दी गल नहीं आ सकती क्योंकि जे तुसीं इहो जिहा कुछ कराया हुंदा मैं जिमनी चोण जित सकदे सी क्योंकि जिमनी चोण आ जिहड़ी उहदे विच जे तुहाडे च कोई भी कमी आ फिर तुसीं सरकार दे विरुद्ध लड़ नहीं सकते। सो वो उत्थों वो जिहड़ी साडी अग्नि प्रीख्या सीगी जिहदे च असीं पास होए बड़ी कोशिश की सरकार ने साडा कोई भी वीक पॉइंट लभण दी जे होऊ तां लभूगा ना क्योंकि अपने कारोबार च बिजनेस हर जगह इमानदारी नाल काम कर रहे हैं। तो नंबर दूसरी गल आ गई जिहड़ा हजे फ्यूचर जिहड़ा काम देखो नशियां दे मुद्दे ते बदनाम किया गया इस इलाके नूं बहुत ज़्यादा कि गल की भी जो असीं अगे वधदे हाँ वो फिर अगे पहले तो पंजाब नूं बदनाम करता इन्होंने इस मुद्दे पर अकाली दल बदनाम करते करते पंजाब नूं बदनाम कर बैठे केजरीवाल कहिंदे 70% हाँ वो गल की भी एक चों 70 पैसे से जिहड़ा सर्वे से ना बई जिहड़ा एक उदों सर्वे आया से भी 1% लोग ने जिहड़े उहदे नशा करते ने 70 पैसे उहदे चों जे 1% लोग नशा करते उहदे चों 70% यूथ से समझ गल नहीं उहदे च कहता भी वह 20 तों 45 साल के 0.70 नूं इन्होंने 70 बनाता समझ गए 50% तो लेडीज़ ही आ जांदियां ने 50% बंदे आ जांदे ने फिर देखो इन्होंने इन्ना बदनाम कर दिता पंजाब नूं सिर्फ वोटां लैण दे लई। सो गल की जिहड़ी 0.70 सीगा उहनूं 70 बना दिता सो उदों ये बहुत जिहड़ा इन्होंने ये नुकसान किया पंजाब का। सो फिर गल जिहड़ी मैं फिर आना भी अज स्पोर्ट्स के साडा इलाका अगे जा रहा अज देखो किन्ने स्पोर्ट्स के साडे मैडल आ रहे ने किन्ने मुंडे साडे हॉकी दीआं टीमां ने फुटबॉल दीआं टीमां ने क्रिकेट दीआं टीमां ने वॉलीबॉल दीआं टीमां ने साडे इलाके दे विच हुण साडा आने समय मकसद हो कि असीं वध-वध मैडल किदां लैके आउणे आ। हुण साडे इलाके दा एक नौजवान जिहड़ा जिहड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई आ उहदे विच 3rd आया पूरे इंडिया दे विचों सारियां नैशनल दे विचों उहदे 4 गोल्ड मैडल लैके आंदे 3 गोल्ड मैडल लैके आंदे ने। सो इस तरह के साडे किन्ने मुंडे जिहड़े भर्ती होए ने अज वख-वख फोर्सिस दे विच स्पोर्ट्स दे करके सो असीं आने वाले समय च इहनूं होर किदां चंगे प्लेयर पैदा करने आ असीं जिहड़ा हैल्थ ते एजुकेशन इहदे ते बड़ा काम करन दी लोड़ हैगी आ लेकिन उहदे लई असीं उस तरह के इत्थे साधन मुहैया करावांगे भी जे असीं कोई काम कीते तां सारे अडोप्ट कर रहे आ। सो इस तरह जिहड़ा अगला साडा मॉडल होगा वह होगा जिहड़ी बेरोज़गारी नूं खत्म करन दे लई कि रुज़गार दे इक साधन पैदा किए जाणगे वो एक एक नवा असी जिहड़ा आने वाले समय के एक प्रोजेक्ट लैके आवांगे सो जिहदे नाल लोग साडे नौजवान अपने पैरां ते खड़े हो सकन। सो लोग तां उड़ीक रहे आ भी कदों 20 तरीक आवे ते असी इस कांग्रेस नूं चलदा करिए ते दुबारा फिर श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाईए जिन्हें वड्डे वड्डे प्रोजेक्ट पंजाब लई लैके आंदे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे देखिए अपने किन्ने एयरपोर्ट बने ने पंजाब दे विच बाईपास बने फ्लाईओवर बने बिजली जिहड़ी 24 घंटे हुई सारी अकाली दल की देना लोगों नूं जिन्नियां सहूलतां मिल रही सारियां अकाली दल की देना। सो आने वाले समय के फिर पंजाब आ जिहड़ा वो जे अकाली दल भी बसपा सरकार बनन ते अगे वधूगा फिर वड्डे प्रोजेक्ट डिवेलपमेंट दे आउणगे लोगों नूं सहूलतां मिलणगियां ते पंजाब खुशहाल होगा। बहुत मेहरबानी जी इह सन श्रोमणी अकाली दल दे हलका दाखा तों उम्मीदवार मनप्रीत सिंह आली जी उह कहिंदे जे दुबारा सानूं मौका मिलिया तां जिस तरीके नाल पिछले 10 साल लगातार श्रोमणी अकाली दल ने विकास किया उस तरीके नाल जे अज गल पंजाब दी हो रही है तो गल दाखे दी भी हुई है तो दाखे दे विच दस्या गया कि किस तरीके नाल असीं अगे आने वाले समय दे विच विकास करांगे और दाखा मॉडल जिहड़ा है पूरे पंजाब च नहीं पूरे देश च जिहड़ा इस वेले अपनाया जा रहा उह देखना होगा कि लोग अपनी मत दा किस तरह मतदान करते हैं कि वाकई हलका दाखा दे विच श्रोमणी अकाली दल नूं मत करदे आ जां किसे होर नूं। कैमरामैन जसविंदर दे नाल राजेश मेहरा सिटी न्यूज़ लुधियाना।